नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट में। तो दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को लेकर। तो दोस्तों, क्या है खबर जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी डिफेंस से जुड़ी हुई नई नई अपडेट आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो जो देश अपने हथियार किसी दूसरे देश को बेचते हैं वो केवल अपने हथियार ही नहीं बेचते बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाले सबसिस्टम और गोला बारूद भी बेचते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे कितने ही मॉडर्न हथियार क्यों ना हो लेकिन बिना गोला बारूद के उस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि वो बेकार होता है। जैसे कि दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे, उसके साथ साथ दोस्तों उसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें भी इंडिया ने परचेज की थी। सपोज़ कीजिए आपने राफेल लड़ाकू विमान खरीद लिया लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें नहीं खरीदी, तो वो राफेल लड़ाकू विमान किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो किसी फाइटर जेट से इंगेज नहीं हो सकता। सेम ऐसी प्रॉब्लम का सामना इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने काफ़ी समय पहले रुद्र हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को विकसित किया था। सेम उसी टाइम पीरियड में दोस्तों, DRDO ने एयरफोर्स के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, उसी टाइम पीरियड में LCH और रुद्र हेलीकॉप्टर से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये मिसाइल अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा चुकी है और उसको लगभग 1 से 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों को ही हेलिना मिसाइल दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इस दौरान रुद्र हेलीकॉप्टर और LCH हेलीकॉप्टर में कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं होगी। और दोस्तों, इसी कमी को दूर करने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और BDL के बीच मिस्टर मिसाइल के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर MOU पर साइन किया गया। दरअसल दोस्तों, मिस्टर मिसाइल A2A मिसाइल है जिसे हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। और दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर में लगभग 2 मिस्टर लॉन्चर होते हैं जिसमें से प्रत्येक लॉन्चर में 2 मिसाइलें होती हैं, और ये मिसाइलें A2A मिसाइलें होती हैं जिसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 6.5 किलोमीटर होती हैं। दरअसल दोस्तों, मिस्टर मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगेट फीचर के साथ आती है, यानी कि दोस्तों, दुश्मन पर एक बार मिसाइल फायर करने के बाद मिस्टर मिसाइल 100% अपने टारगेट को मार गिरा देती है। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल एनिमी के हेलीकॉप्टर और एनिमी के UAV के साथ इंगेज होने में काम आती है। इसके अलावा दोस्तों, BDL और MBDA के बीच हुए MOU के तहत MBDA अपनी मिस्टर मिसाइल की टेक्नोलॉजी BDL को ट्रांसफ़र करेगा और BDL मिस्टर मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग से प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहा है। और इस फैसिलिटी से दोस्तों, 2023 से मिस्टर मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, जिसके कुछ समय बाद रुद्र LCH हेलीकॉप्टर में मिस्टर मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और इस तरह से दोस्तों, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर मिस्टर मिसाइल से लैस हो जाएंगे जो कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर और UAV पर हमला करने में सक्षम हो जाएंगे। और वहीं दोस्तों, हेलिना मिसाइल को भी जल्द भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर दुश्मन के हेलीकॉप्टर, टैंक और UAV पर हमला करने के काबिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।